प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ की व्याख्या अभी तक आपके समक्ष दो कड़ी के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस पाठ की शेष बची हुई व्याख्या अगले पाठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने मित्र के कर्तव्य के संबंध में चर्चा की। जो अवतरण अभी आपको बताया जा रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, इसको समझिए कि क्या मित्र के कर्तव्य के संबंध में शुक्ल जी की क्या विचारधारा थी, कि कौन से कर्तव्य उन्होंने बताए। कहते हैं, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यानी मित्र ऐसा होना चाहिए जो कभी भी हम यदि उच्च और महान कार्य करें तो उसमें हमारा सहयोग, इतना अधिक हमारा सहयोग करे, हमारे मन के भीतर इतना अधिक उत्साह उत्पन्न करे और साथ ही हमको हमारे भीतर साहस की भावना उत्पन्न करे। और इस सब का परिणाम इस रूप में सामने आना चाहिए कि जितनी हमारी अपनी सामर्थ्य है उससे भी अधिक हम काम करके दिखा दें। अगर ऐसा मित्र हमको मिलता है तो वह वास्तव में सच्चा मित्र है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। तो मित्र होने का यह कर्तव्य वही मित्र निभा पाएगा, उसी मित्र से पूरा होगा जो बड़े ही सुदृढ़ चित्त वाला हो और सत्य के प्रति संकल्पवान हो। इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो ऐसे मित्र का चयन हमको करना चाहिए जिनके भीतर हमारे से भी अधिक आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो सुग्रीव और राम की भी मित्रता बड़ी प्रसिद्ध है। सुग्रीव और राम की मित्रता का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं शुक्ल जी कि जो भी यदि हमें हमसे अधिक आत्मबल वाला मित्र मिलता है तो हमें उसको उसी तरह से पकड़ लेना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो आगे जो है मित्र के अन्य गुणों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो मित्र हो बड़े ही प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, यानी जिसके भीतर हृदय की उदारता हो, जो सच्चे मन वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, ऐसा गुण हमारे मित्र के भीतर होना चाहिए। जो मृदुल हो और पुरुषार्थी हो, यानी जिसका स्वभाव कोमल भी हो लेकिन साथ ही जो पुरुषार्थ की शक्ति से युक्त भी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसके भीतर शिष्टाचार का गुण हो और जो सत्य के प्रति निष्ठावान हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि ये गुण मित्र के भीतर है तो हम उनके भरोसे अपने आप को छोड़ सकते हैं और तभी वास्तव में हमको यह विश्वास भी प्राप्त होगा कि जिस प्रकार का मित्र हमने चुना है उससे हमको कोई भी विश्वासघात नहीं होगा, वो हमको किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। तो जो बात मित्र के संबंध में जो गुण बताए गए हैं वही जो हमारी जान पहचान के हो उनके संबंध में भी उन्हीं गुणों का रहना उचित होता है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिससे कभी समय पड़ने पर, अवसर पड़ने पर हम कुछ लाभ उठाएं और कभी वो हमसे लाभान्वित हों, हमारे जीवन को उत्तम बनाने में, आनंद से बनाने में कुछ सहायता करें। हालांकि उनसे उतनी सहायता नहीं मिलेगी जितनी किसी गहरे मित्र से मिलेगी, जितने कोई गहरे मित्र दे सकते हैं, किंतु फिर भी
उनसे एक प्रकार का सहारा मिलता है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना आजकल जान ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। तो आगे किस प्रकार के मित्रों से दूरी बनी रहे, ईश्वर ऐसे मित्रों से दूर रखें, उनके संबंध बताते हुए कहा उन्होंने कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही अल्प होता है, बहुत कम होता है, उसमें खोने के लिए बहुत समय नहीं होता। और का खा और गा, यानी ऐसे ही बिना किसी नाम के उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत नहीं कर सकते हैं मान लीजिए, और ना कोई अच्छी बात हमको बता सकते हैं, ना कभी आवश्यकता है तो हमारे प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाते हुए हमको धैर्य बधाए, ना ही हमारे आनंद के में सम्मिलित हो, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाए। और हमारा क्या कर्तव्य है उसका ध्यान न दिलाए, कर्तव्य बोध न उत्पन्न करे, तो ऐसे मित्र से ईश्वर हमको सदैव दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। तो ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा अल्प है, बहुत ही थोड़ा है, उसमें खोने के लिए बहुत समय नहीं है। अगर मान लीजिए काखागा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत नहीं कर सकते हैं, कोई अच्छी बात भी नहीं बता सकते हैं, हमको आवश्यकता पड़ने पर संवेदना सहानुभूति और धैर्य भी नहीं बता सकते हैं, हम आनंदित हैं हमारे आनंद में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, और ना ही हमको अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं, तो ऐसे मित्रों से ईश्वर हमको सदैव दूर रखे। क्योंकि हमको अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजाना है कि ऐसी जड़ मूर्ति के समान मित्र हो जिनके साथ हम थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएं, भोजन का निमंत्रण बार बार स्वीकार करें। ऐसे जान पहचान के लोगों से मान लीजिए यदि कोई हानि नहीं भी होती है तो भी किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। और यह भी बात है कि अगर इस प्रकार के मित्रों से हमारी हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। तो जरा सा अपने मन में कल्पना करो, समझाते हुए कहते हैं, एक प्रकार से सावधान करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उनसे हानि होती है तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि ये जान पहचान के लोग ऐसे मनचले युवकों के समान हो गए जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल कुछ अधिक बढ़ रही है, या ऐसे युवा के समान बन गए जो अमीर की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, जो लोग अपने को धन वैभव से संपन्न मानते हैं, ऐसे लोगों की जो गलत आते हैं और जो मूर्खता है उसकी नकल करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे मित्रों के प्रति सावधान करते हुए शुक्ल जी ने कहा है कि जो अमीर की बुराई और मूर्खता की नकल करे और दिन रात खाली अपने बनाव श्रृंगार में लगे रहे, जहां कहीं कोई महफिल हो वहां बार बार ओ हो या वाह वाह का शब्द निकाले, गली गली में ठहाका लगाते हुए फिरते हैं और सिगरेट का भी धुआं साथ में उड़ाते हुए चलते, यानी सिगरेट पीते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन और किसका। तो जो भी ऐसे नवयुवक है वास्तव में उनका जीवन किसी शून्य के समान है, उनके जीवन में कोई सार तत्व नहीं है और उनका जीवन अत्यधिक चिंता के योग्य है। वे अच्छी बातें के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं।
अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कुछ दूर है। ऐसे लोग अच्छी बात का जो बढ़िया उत्तम आनंद होता है, वास्तविक सच्ची आनंद की अनुभूति होती है, उससे बहुत अधिक दूर है। इतनी दूर है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, संसार में किसी भी कवि की या साहित्यकार के साहित्य को, कवि की कविता को अच्छा नहीं मानते। ठीक इसी प्रकार से श्रेष्ठ आचरण करने वाले जितने महात्मा हुए हैं, उनकी भी प्रशंसा को या उनके गुणों को वो स्वीकार करना नहीं चाहते। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती। तो स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोग जो है ऐसे लोग कभी भी इस प्रकार के आडंबर से भरे हुए मित्रों से प्रभावित नहीं होते हैं और वास्तव में ऐसे जो मित्र हैं वह ऐसे वीरों के प्रति जो बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक कर्म करके गए हैं संसार में, जिसका हम आदर और सम्मान से लाभ लेते हैं, उनके प्रति भी प्रभावित नहीं रहते। और जितने बड़े बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं उनके प्रति भी उनके मन में श्रद्धा की भावना नहीं रहती। या ऐसे ग्रंथकार साहित्यकार जिन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से बहुत उत्तम विचार मानव समाज के लिए छोड़े हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य जाति के हृदय में सात्विक गुणों का विकास होता है, ऐसे लोग कम हैं जो सच्चे मन से इन गुणों के प्रति ध्यान रखें और स्वयं के भीतर भी इन गुणों का विकास करें। इसलिए जो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है उनको हम कभी भी सच्चा और उत्तम मित्र नहीं कर सकते। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। तो बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं शुक्ल जी कि ऐसे लोगों को जो किसी की वीरता से प्रभावित नहीं होते, श्रेष्ठ आचरण वाले महात्मा से प्रभावित नहीं होते, बड़े बड़े ग्रंथकार की सुंदर कविता को देखकर प्रभावित नहीं होते, ये लोग कैसे हैं कि उनके लिए फूल पत्तियों में भी कोई सुंदरता नहीं होती, उनको फूल पत्ती में सौंदर्य नहीं दिखाई देता, झरनों के बहने से जो सुंदर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है उनको उससे भी कोई आनंद प्राप्त नहीं होता, तो उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। वास्तव में ऐसे लोगों के भाग्य में सच्चे प्रेम का कोई भी सुख नहीं लिखा है और न ही उनके कोमल हृदय को कभी भी शांति मिलती। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। तो जिनकी अपनी आत्मा और अपने इंद्रिय खाली विषय यानी सांसारिक विषयों में, सांसारिक भोग विलास में खाली लिप्त हैं, ऐसे जो नीच आशय वाले हैं, जिनके विचार कुत्सित हैं, कलुषित हैं, ऐसे नाश की के पथ पर बढ़ने वाले प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। जब अंधकार की तरफ, अंधकार के मार्ग में पतित होते देखेंगे, गिरते हुए देखेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनके प्रति तरस न खाता हो, उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। तो इसलिए सच्चे जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं उनको कभी भी ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जिनके भीतर इस प्रकार की विचारधारा हो, नीच आशय हो, उत्सित विचारधारा हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने मित्र के भीतर कैसे गुण हो और कौन से सामान्यतः दुर्गुण होते हैं, क्या वो करते हैं, जो सच्चे मित्र नहीं होते हैं उनके अवगुण क्या है, उनके भीतर कमियां क्या है, उसके संबंध में बताया है, और ऐसे मित्रों की सराहना की है जिनके साथ के प्रभाव से, संगत के प्रभाव से मानव के हृदय में सात्विक विचारों की एक अद्भुत उमंग उत्पन्न होती है। आज हमने इतने अवतरण को पढ़ा और समझा है। पाठ के शेष बचे हुए अंश की व्याख्या आपको अगली कक्षा